हवा भी नहीं चल रही है, फिर ये माचिस की तीली कैसे बुझ गई? मौसमी कोई नहीं है वहां। मौसमी मौसमी कोई नहीं है, चलो घबरा जाते छोटी छोटी बातों पे। दिमाग खराब हो गया है, न जाने क्या कहे जा रही है। नहीं, मैं सही कह रही हूँ, मैंने अवनीश को देखा और उसने मुझे डराने की कोशिश भी की है। पर तुम क्या नाम सुना बकी जा रही हो? अवनीश मर चुका है। नहीं, ये जो कह रही है सही कह रही है, क्योंकि मुझे भी महसूस हो रहा है कि कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जो हमारे काम में रुकावट डाल रही है। मैं अग्निश भी हो सकता है, क्योंकि कई सालों पहले हमने उसकी बलि दी थी। और जो भी हो, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमें छोटी मोटी रुकावटों से डरना नहीं है, ना घबराना है, बल्कि सावधान रहना है। हाँ, एक छोटी सी भी गलती हमारे प्रयासों को मटिया में कर सकती है। रामावास आने में लगभग एक महीना बाकी है, तब तक तुम लोगों को इसका और इसके बच्चे का खास ध्यान रखना होगा। अब कोई भी रुकावट हमारी साधना में विघ्न नहीं बननी चाहिए, समझ गए तुम लोग?
नाश्ता। मुझे नहीं खाना है। तीन दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया। अपने लिए नहीं तो कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम्हारे ना खाने से इस पर क्या असर पड़ रहा है? इस तरह वो तो दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अच्छा ही तो है, यही सोच लूंगी कि वो पैदा ही नहीं हुआ। आप लोगों के हाथों से मरने से अच्छा है कि वो मेरी कोख में ही मर जाए। कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। जीते जी मैं आप लोगों की मदद कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम्हारी इच्छा है, एक तरफ तुम कह रही हो कि उसे हमसे बचा लोगी और दूसरी तरफ कोक में ही उसे मार डालना चाहती हो। एक तरफ तुम कह रही हो कि उसे हमसे बचा लोगी और दूसरी तरफ तुम अपने कोक में ही उसे मार डालना चाहती हो। कर रहा है क्या हो रहा है बाबा? ये क्या कर रहे? पता नहीं, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हेलो हेलो माँ। हाँ जरा पारो को बुलाना। वो बेटा घर पर नहीं है। माँ ये आखिर क्या चल रहा है? मैं जब भी फोन करता हूँ कभी वो सो रही होती है, कभी वो बाहर गई होती है। तो क्या कर बेटा, तो हर बार इसी टाइम पे ही फोन करता है। हाँ पारमिता तेरे बाबा के साथ डॉक्टर को फंस गई है। तू चिंता मत कर दीपू, यह सब कुछ ठीक है। हम लोग है ना उसके देखभाल करने के लिए, या फिर हम पर तुझे भरोसा नहीं है? नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, वो असल में काफी दिन हो गए मैंने उससे बात भी नहीं की, उसे बात करने को दिल चाह रहा था। ठीक है बेटा, वो घर आते ही मैं तुझसे बात करवा दूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ ठीक है माँ। बाय। उसे इंजेक्शन लगा क्या था?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भूती के साथ ये हो क्या रहा है। वो दिन भर सोती रहती है, किसी से नहीं मिलती है, और माँ बाबा भी हमें उनसे मिलने नहीं देते हैं। इनफैक्ट हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इतनी वीकनेस होना कुछ गड़बड़ जरूर है। और मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि माँ और बाबा का बिहेवियर कुछ बदल सा गया है। बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हो। तुम ठीक कह रही हो दीदी, इस बात का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आज रात को जाकर हमें बहुत ही समझना होगा। माँ, तू भ्रष्टों के लिए जितनी प्रचंड है, भक्तों के लिए उतनी ही दयालु। अपनी कृपा दृष्टि उस बच्ची पर बनाए रखना, उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना। जय माँ काली। पंडित जी, आज तो आपकी पूजा की बारी नहीं है, फिर क्यों आए? मैं यहाँ आज किसी की मदद करने आया हूँ। आज अमावस है, लोग काली माँ को अपना रक्त दान करेंगे। कहते हैं रक्त के साथ साथ माँ काली सबके दुख भी हर लेती है। आज ये पूजा मैं अपने लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए कर रहा हूँ जिसे इस समय माँ काली के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। धन्य हो। आज पूजा और भद्रकाली सहस्त्र नाम होम के जरिए मैं उस लड़की को तांत्रिक शक्तियों से मुक्त करने के लिए माँ काली की आराधना करूंगा। जय माँ काली। जय महाकाली। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां से कैसे निकलूं? हे मां, आप मेरी मदद कर, मेरी बच्ची की रक्षा करो। मां महाकाली रक्षात्मान देवी सर्वदा जया शुंभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महाअसुरः वैनाशाय वंदे तां कालिका शंकर प्रिया वैरिनाशाय वंदे तां कालिका शंकर प्रिया। क्या कर रहे हो आप? नीचे उतरो, संभालो अपने आप को। क्या कर रही आप? घर जा रही थी। इस हालत में मुझे किसी भी तरह बाहर जाना ही होगा। ऐसी बाबा तो मुझे जाने नहीं देंगे। बात क्या है बूढ़ी, बताओ मुझे। आप मैं तुम लोगों को भी कुछ नहीं बता सकती, बाकी सब कुछ बता दूंगी।
उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहाय मदीय शत्रून समर्पयामि स्वाहा। तुम लोग कुछ करो ना प्लीज, ताकि वो ऊपर ना आ सके। देखा दीदी, मैंने तुम्हें कहा था ना, कुछ गड़बड़ जरूर है। एक काम करो, तुम बोली का ख्याल रखो, मैं माँ को संभाल। नहीं बोती, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं शूना, अगर माँ बाबा को पता चला कि तू भी घर पे नहीं है तो तेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। बोधी कुछ नहीं, तुझे मेरी कसम। तू जा। बोधी आप प्रॉमिस करो कि आप अपना ख्याल रखोगी, अपने बच्चे का भी। हाँ मैं ध्यान रखूंगी। महाकाली महाकाली है मेरे साथ। मुझे ढूंढना होगा, पर सारे किए पर है कुछ पानी मिल जाएगा। महाकाली रक्षात्मान देवी। पर लगा पारो कहाँ है? कहीं नहीं मिली। आखिर गई तो कहाँ गई? वाह ढूंढते। नारायण वंदे ताम कालिका शंकर प्रिया। मम शत्रून खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय बिंदि बिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा श्रीकालिकायै मदीय शत्रून समर्पयामि स्वाहा। जय काली जय काली जय काली। ओम जय जय गिर 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 कट कट मर्द मर्द मोह मोह हर हर मम रिपुंड ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातुनानां चामुंडे सर्वजनानां जो राजपुरुषांसितो मम वश्यां कुरु कुरु
बेटा कौन हो तुम? पारमिता तुम यहाँ? हुआ कैसे? लोगों को मैंने उसका ध्यान रखने के लिए कहा था, वो भाग कैसे गई? तुम लोगों ने मेरी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है, इसका मतलब समझते हो? समझते हो उसका मतलब? तुम लोगों को इस गलती का दंड भुगतना होगा। अगर मैं अपनी काली शक्तियों से तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, तुम लोगों को सफलता दिला सकता हूँ, तो तुम लोगों को बर्बाद भी कर सकता हूँ। पारमिता की कोख में पल रहा वो बच्चा मेरे लिए बहुत खास है, साधना पूरी करने के लिए जाओ, जाकर उसे ढूंढ के लाओ। बिना सुने यहां मत आना, वरना मैं तुम लोगों का और तुम्हारे पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। महाराज गलती हो गई, माफ कर दो, हम उसे ढूंढ के लाएंगे, कहीं से भी कैसे भी। जाओ। मालिक, मालिक नाराज मत होइएगा, मैं आपको भोग तो लगा कर रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। मालिक पिछले 16 साल से समय की प्रतीक्षा की है। ये लो बेटा। धन्यवाद। ये चिन्ह कैसा? ऊपर तो वाकई काली शक्तियों का प्रयोग किया गया है। चाहे जो भी कर लो, ये बलि तो होकर रहेगी। पारमिता के बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। जय मालिक। जय माता दी। चिंता मत करो बेटा, माँ काली तुम्हारी रक्षा करेगी। जय माँ काली। दीपू, दीपू,
तुम जग गई बेटा? पंडित जी, मासीमा और दीपू। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल गया था। तुम्हारी मासीमा को मैंने बता दिया है कि तुम मेरे पास सुरक्षित हो, और उनसे तुम्हारे पति का नंबर भी ले लिया, उन्हें बुलवा भी दिया है, वो आते ही होंगे। कुछ खा लो बेटा, देखो तुम कितनी कमजोर हो चुकी हो, अगर खाओगे नहीं तो ये तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। पंडित जी, इतने सारे माताओं की तस्वीरें? ये सभी दुर्गा देवी की तस्वीरें हैं। ये इनके अलग अलग रूप है, मानव कल्याण और मानव के अलग अलग आकांक्षाओं को पूरी करते हुए माँ ने अनेक रूप लिए हैं। ये दसों रूप उन्हीं के हैं। मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। ये काली माँ है, काल की रानी, महाकाल की पत्नी। ये समय का नियंत्रण करती है। ये काजल के समान कृष्ण है, इसलिए इन्हें काली माँ कहते हैं। ये तारा जी है, शमशान में इनका स्मरण और साधना करने से काली शक्तियों का विनाश होता है। ये चिन्ह मस्तकी, ये जिसका विनाश करती है उसका सिर नहीं मिलता है। मुसीबत में पड़ने पर इनका स्मरण करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। ये शोदशी माँ है, अर्धकुंवारी, जिसे शारीरिक कष्ट दिया गया होता है ये उसकी सहायता करती है। ये माँ भुवनेश्वरी, ये घर की सारी आवश्यकता पूर्ति करती है। इनका स्मरण करने से कोई भी भूखा नहीं रहता। ये तिपुर भैरवी है, इन्हें भय निवारणी भी कहा जाता है। इनका स्मरण करने से अंतरात्मा का भय समाप्त हो जाता है और शत्रु में भय का संचार होता है। ये धुआवती, ये औरतों को विधवा बनाकर उसकी धन संपत्ति छीन लेती है। ये लोगों को दारिद्र बना देती है, इसलिए इनकी तस्वीर देखने के लिए मना किया गया है। ये बगला मुखी है, ये अपने शत्रु का विनाश उसकी जीवा से करती है। उसके प्रभाव से किसी की भी वाणी बंद हो सकती है और कभी कभी तो मनुष्य शरीर से भी लाचार हो जाता है। ये कमला माता, इनके स्मरण से सांसारिक सुख मिलता है, घर में सुख और शांति की वृद्धि होती है। ये मातंगी माँ है, ऐसा माना गया है कि इन्होंने अभी किसी शिशु को जन्म दिया है, इसलिए हर गर्भवती महिला की ये रक्षा करती है। इनका स्मरण करने से गर्भकाल या शिशु के जन्म के समय कोई परेशानी नहीं होती और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। इनकी कृपा से बच्चा कभी गर्भ में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये मातंगी माँ है, हर गर्भवती महिला की ये रक्षा करती है। पारो, दीपू, जय माँ का। क्या हुआ पारो, तुम रो क्यों रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या चल रहा है? पंडित जी का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आखिर ये हो क्या रहा है? देखो, देखो हमारा बच्चा खतरे में। क्या? हाँ देखो, Yeah!
जाना है। बहुत जरूरी है बेटा। मगर अभी पूजा जरूरी है। आप भी? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? टीपू, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे माँ और पापा मेरे होने वाले बच्चे को मारना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें भी इतना सताया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा पारो, मैं उन्हें जेल भेज कर रहूंगा। नहीं दीपू, दीपू, दीपू तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। दीपू मैं नहीं चाहती कि ये सब बातें मीडिया में फैले, तुम्हारे तुम्हारे करियर में कोई बुरा असर पड़े। दीपू उन्होंने जो कुछ भी किया है उनकी सजा भगवान उन्हें देंगे। दीपू, दीपू मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। एक बार बड़ा वापस कर जाए उसके बाद उन्हें हमारे बच्चे की कोई जरूरत नहीं होगी। दीपू मैं उन्हें कोई सजा नहीं देना चाहती, सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। दीपू इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। मेरी बीवी, मेरा बच्चा मेरे लिए अपना करियर से भी ज्यादा मायने रखता है। सजा तो उन्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। दीपू प्लीज मेरी बात सुन। क्या क्या हुआ पारो? पारो पारो क्या हुआ? बस 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 पारो, सब ठीक हो जाएगा पारो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। सिस्टर प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, मुझसे इनकी हालत नहीं ठीक नहीं जा रही। लेबर पेन शुरू हो गया है, आप बाहर जाइए, मैं इनके कपड़े बदलती हूँ। मैं अभी आता हूँ पारो, मैं अभी आता हूँ। दीपू मुझे छोड़ के मर जाओ प्लीज। ना पारो, मैं बाहर ही हूँ, मैं बाहर हूँ। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर। कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसा, बोलिए। सीधी साधी लड़की को भी नहीं संभाल पाए आप लोग, घर से भागी कैसे वो? पता नहीं बेटे, हमने तो कोशिश की पर वो कैसे? बस अभी तो मान लीजिए कि आपकी लापरवाही थी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पंडित जी का फोन आ गया था मेरे पास और मुझे पता चल गया कि पारुमिता वहीं पर गई थी। वक्त रहते मैंने हालात संभाल लिया वरना। अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और ये बता यहाँ के हाल क्या हैं? मतलब बच्चा कैसा है? पता नहीं। हाँ पर बच्चे की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। अब याद रखना आप लोग, इस बच्चे की बलि हम लोग के लिए बहुत जरूरी है।
काम किसी भी कीमत पे हो जाना चाहिए। पर मैडम, वो भैया मेरे पति अपना पर्स छोड़कर चले गए। आप जाइए ना, मैं दूसरी टैक्सी ले लूंगी। एक दो दिन में हमें तुम्हारे बच्चे को ढूंढना ही होगा। पता लगाना होगा कि उन लोगों ने आखिर तुम्हारे बच्चे को रखा कहाँ है। जय माता दी।